आज लग गई लग गई, अरे लग गई लग गई लग गई लग गई, असलम भाई एंड कंपनी के लग गई लग गई आज। गद्दार, दुश्मनों से मिल गया ना? बस खबरदार, अभी हमारा मुलाजिम है, इसे आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। इसे आंखें दिखाऊंगा मैं? ये आंखों का डॉक्टर है क्या? अबे इसे तो मैं आईने में इसकी मकरू शक्ल दिखा रहा हूँ। आईना दिखाना तो जाके अपनी बीवी को दिखा, अपनी फिटकार भरी सूरत देख लेगी उसमें। ओह तू तो बड़ी कोकाफ की परी चल रही है ना। अबे सारे बंसरोड की जितनी माएं ना तेरा फोटो दिखा के बच्चों को डराती हैं। लौट ले, लाइसेंस वाला पिस्तौल खरीदा है, 8 की 8 गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगी। उतार दूंगी? अबे ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो असलम भाई का सीना चीर सके। अबे चल बे चल, तेरे जैसे शेख चिल्ली बहुत देखे बातें बनाने वाले। बातें तो छोड़ दे, चटनी बनाता हूँ ऐसी देखती रह जाएगी तू। अबे चल बे चल, शॉर्ट शॉर्ट निकल ले। खबरदार, मेरे मुलाजिम को कुछ कहा है तो तूने? मैं इस टट्टू से क्या मुझसे बिना उलझा कर, समझ गई तू? अब आसन भाई, शेर बन शेर, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये गली किसी के पाप की नहीं है। शेर देखना, शेर को गीदड़ की नस्ल, अल्लाह करे तुम लोगों के घर पे ड्रोन नाजिल हो जाए, देखना तुम। दिल जाता रे जब किसी से, किसी तो प्यार हो जाए, ना कुछ तेरे बस में बॉबी, ना कुछ उसके बस में, दिल क्या करे दिल क्या करे। पूरे मोहल्ले के मर्द इस वक्त काम से वापस आ रहे होते तो तुम काम पे जा रहे होते हो। अरे क्या तरह, अपना कुछ काम ही था। मोहल्ले वालों को पता चल गया है कि तुम जुए के अड्डे पे काम करते हो। सारे मोहल्ले वालों को गैब का इल्म नहीं है, ये तुम ही हो जो सबको इतला देती रहती हो। अरे तौबा करो, मैं क्यों बताने लगी, मुझे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है। अपनी इज्जत तो बड़ी प्यारी है तुम्हें, और शोहर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। और क्या करूं बोलो, सारा सारा दिन तो तुम सोते रहते हो, रात को उठ के काम पे चले जाते हो। ये जो तुम्हारी अलमारियों के सेफ सोने से भरे हुए हैं ना, ये तुम्हारे बुंदे, ये तुम्हारे झुमके, ये तुम्हारा टीका, ये सब मेरे सोने की वजह से है। हाँ याद आया, तुमने इस महीने मुझे सोने की चेन दिलाने का वादा किया था ना। हाँ तुम्हें चेन दे के दूंगा, पर तुम मुझे चेन से रहने ना देना। अच्छा छोड़ो, मैं तो तुम्हें एक जरूरी बात बताना भूल गई। अरे बस बस, ये सलमा आपा और ये असलम भाई की दास्तान नहीं सुननी मैंने सुबह सुबह। नहीं नहीं, वो जो सलीम है ना। कौन सलीम? वही नेवले की शक्ल वाला, असलम भाई के यहाँ जो मुलाजिम था। कमागा क्या? ओहो नहीं, उसने असलम भाई के यहाँ नौकरी छोड़ के सलमा आपा के यहाँ नौकरी कर लिए, और लाडला उसको दुगनी तनख्वाह दे रहा है। क्या सलमा आपा और उसका भाई लाडला ये एक नंबर के 420 है, ये असलम भाई को तबाह करके छोड़ेंगे। हाँ नौबत फाकू तक की आ गई है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों, तुमने उनके यहाँ राशन डलवाना था? अरे नहीं भाई, मैं असलम भाई को रमी क्लब में नौकरी दिलवा देता। तो करो, असलम भाई के सामने जुए के अड्डे का नाम भी मत लेना। अरे क्यों भाई? वो जुए को गुनाह कबीरा समझते हैं। अरे भाई मैंने जुआ थोड़ी खिलवाना था, नौकरी दिलवानी थी उन्हें। अब सूद हराम है, लेकिन लोग बैंक में भी तो काम करते हैं ना। ये तो है।
आपको घर की बिल्कुल फिक्र नहीं है। तुम हो ना दादी अम्मा घर की फिक्र करने के लिए। अम्मी ने गुटके का काम कम करके चूरन का काम बढ़ा लिया है। ये तो अच्छी बात है। बेचारे असलम भाई, उनका तो कारोबार ठप होकर रह गया है। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उनकी। मुझे उनकी नई शीरी बाजी की फिक्र है, कहीं उन्हें पढ़ाई ना छोड़नी पड़ जाए। काश ऐसा हो जाए। बहुत बुरी बात है भाई, कितनी अच्छी है वो। क्या खाक अच्छी है वो। आज सुबह मेरी बाइक की चाबी चोरी कर ली। 2 घंटे में पैदल ख्वार हुआ तब जाके डुप्लीकेट चाबी बनी है। रहने दें, आप भी उनसे मजाक करते हैं। मैं कोई मजाक मजाक नहीं करता उसके साथ, मैं तो वाकई में उसे तकलीफ पहुंचाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बस रहने दें, मुझे पता है कि आप उन्हें पसंद करते हैं। क्या पसंद करता हूँ? अगर एक खून की इजाजत होती ना तो सबसे पहले मैं उसका खून करता जाके। ये सब उनकी मोहब्बत में भूल गए ना। तुम्हें इस सब कुछ उगलवाने के लिए अम्मा ने भेजा है ना। लो भाई, इसमें उगलवाने वाली कौन सी बात है, मैं जानती हूँ। अच्छा, तुम्हें पता अभी मानती हूँ। पता है इसे, सुन रहे हो, कह रही है इसे सब पता है। क्या खाक पता है, बात करती है। यार ये बता, ये डिफेंस वालों को इतनी बदहजमी क्यों होती है? ज्यादा जो खाते हैं। क्या अब समझ लो ना मेरी जान, मैं बड़ी हिम्मत करके ये खत लिख रहा हूँ, उम्मीद है तुम जवाब दोगी। लग गई 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 लग ग